मांगा गया था? तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। ऐसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से चार दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं, सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं, आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो, कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग, चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के, मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो, जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे, ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वही ज्यों का त्यों है। सूफी आए संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत दुनिया माल खजाना, दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे।
जैसे जैसे प्लीज प्लीज। लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यही, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके, बैठ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लाल प्रसाद जी, लाल हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे बैठे। मान्य दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है, 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुनो करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं, जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं हम लोग को, जेल भेजवाते रहे हैं, राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं। राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में, प्रधानमंत्री जी ने माना कि बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है पशुपालन स्कैम, आएगा दूध का दूध पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में, कौन बेदाग बैठा है? और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़ कोई बात नॉर्म्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं, बातें दबाई नहीं जा सकती है, चाहे जितनी बातों को हम जहां भी थापर साहब के टीवी में या जहां भी हम कोई बातों को कह डालें, बात दबती नहीं है, अभिलेख मिटता नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चिंता जताई और इतिहास को, अडवाणी जी गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है, आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है, और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है। मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जन्म लिया था फुलवरिया गांव गोपालगंज में, फुलवरिया गांव में, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो ये गोसाई लोग एक ऐसा रखते थे पशु बैल, आंख पर मांसा है, पीठ पर पैर है, बहुत छोटा नाटा है, जिसको नादिया बोलते उत्तर प्रदेश में, हम लोग अपने यहां बसहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसहा बैल। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के और हजारों चित्ती कौड़ी उसमें साठ के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता, और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए यार, इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चलाया मेरे पास, मेरी माँ बैठा दी ओरी के नीचे खपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो,
मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये हम ही अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं या इसमें नहीं मिलेगा, तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता, बोलो भोला देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आ जब वो भोला बाबा समझ जाता चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो ध्यान दे घंटी करके, महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते, जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईओ ने हाल करके आपका रखा, यह है रखा 13 महीना। आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते, जोर साहब वहां बैठे हैं, सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे, उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थे क्या आप जेल में? हाँ कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल, आप लोग तो आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं, दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे, तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जोर साहब हैं, अब बैठे, सन 77 में महोदय हम लोगों को दिल्ली समझ में आया नहीं, दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जोर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए, पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं, जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा, बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात, लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों के वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है, जोर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे, हम तो लोग नए थे, हमने कहा, हम लोगों ने कहा था या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में और देश के सेक्युलर करेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा इसलिए हम लोग टूटे,
और हम लोगों ने नारा दिया चरण नहीं तो चुनाव, और हम लोग चुनाव में गए। चुनाव में गए, हमारी लड़ाई आपसे है। आपने कहा, अब बताइए, हिंदू 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 हिंदू, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, कौन विरोध करता? ते हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं? ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं, हमारी माँ बहन गांव गृह गए सारे लोग। ये ठीका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर करेक्टर सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता, जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, हमने एक कैलेंडर कर दिया, क्योंकि रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं नहीं, जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ, अब हम जो है सो के पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है, समझ लीजिए। चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, आप डंटा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, अब पोखरन में, तो हम लोग भी अपनी साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे हैं क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए, अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं जोग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को वीन ओवर करने के लिए, सम्पैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। महोदय क्या आपने कहा था? अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते, जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से दो बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इस हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने, रीनेम क्यों कर दिया, सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया, इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं, इसके लिए ये सवाल, सत्ता का कौन क्या हो, नहीं हो क्या, कौन मंत्री, क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए, आपने पहले भी ये काम किया, और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है, कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो, गलत फहमी में नहीं रहना, आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो,
नहीं बताएगा। अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना, आए क्या खाली जी है, बोगस वोट पड़ी थी उसका क्या हुआ? अरे बैठ जाइए। बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीला वाला कागज नहीं रहेगा, कहां लाल जला कहां उजर जला। अब ये जोर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का, वहां से समता पार्टी का समर्थन है, वहां का एमपी यहाँ बैठे होंगे, लड़का राम नरेश भाई हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का, हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान देखे जीता थे वो लड़का, क्या हालत है समता पार्टी का आप जाके देखिए औरंगाबाद में। नीतीश जी ले गए वहां, कहां ले गए, बाढ़ में, बाढ़ में थर्मल, जहां वाटर लॉगिंग है, जहां जल्ला का पूरा इलाका है, वहां ले गए और आपसे ले गए, वहां उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो लिख करके राज्य सरकार कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है। जो हम कर सकते हैं वही काम करें, बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए। तो अभी 14 तारीख को जोर साहब, नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में, राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा है, हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे, आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे, और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहां बैठ के एमपी एमपी आपको ठीक करना चाहिए था, आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुपरमेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज को हम स्वायत्ता देंगे, लेकिन राज के मुख्यमंत्री को पता नहीं, और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें, हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोले। तो हम लोगों ने कहा था ये झूठ नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी हमेशा ठगे जाते रहे, राज्य सरकार की जो कुबत हो आप बताइए वहां पानी कहां। हमने मालूम किया कि सफिशियंट वाटर होना चाहिए आयुत कारखाना के लिए, देर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे।
देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जोर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना हजार एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना खोल रहे हैं, निकलिए मोदी नगर से। हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज, एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। मोदी पूरम स्वदेशी का नारा, आपने कहा स्वदेशी, आपने कहो कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते, भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होके भारत के लोग अपनी रक्षा अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया है। सारा स्वदेशी मिल कल कारखाने हमारे बंद, बड़े पैमाने पर जो मजदूर है गरीब है, गरीबी और गारद बढ़ रही है। अन्य चीजों में कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में महोदया देश की स्थिति, अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश के माइनॉरिटीज जो सर्वहारा, सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें, जिस समय आपका संबोधन हो रहा था पीने के पानी का सवाल, न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई जो इस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया, पूरा का पूरा 13 महीना में सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है तारवानी जी, ये मत हम लोग के ऊपर दो मत मरिए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है और सत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल, वो बोला कि हम नीतीश जी या जोर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल, तब पंचायती करने चलेगा जोर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जोर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। आपने शकुनी चौधरी जी को हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग इनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीद दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को, रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार। आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट ओनली फॉर वन मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन सर। मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोल
ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय महोदय, माननीय 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 ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी आपको क्या चाहिए? आप नहीं बैठेगा मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय कोई अनपार्लियामेंट्री, आपने कहा आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री, कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा दुनिया ने देखा है, तो बहन ममता का अपमान का नहीं, हमने कहा कि ये बात थी आप बांध के रखना चाहते। हम लालू यादव अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। इसलिए महोदय अब यह है कि अपनी सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, न लोटा न थारी, तो पेट भरे गिरधारी। तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला तुरंत। कहाँ कहाँ कार जूटा, कितना घपला, कितना लूटा यहाँ, आ किसका गर्दन कहाँ, और हयात होटल में 90 करोड़ मीटर लेना रही, अभी जो पकड़ाया रुपया दबाए हो हाउस ट्रेडिंग के लिए। हम ये बात को कहना नहीं चाहते थे, एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते थे। एकेडमिक डिस्कशन, हम एकेडमिक डिस्कशन में, इसलिए बोलोगे तो हम इन चीजों को रखना चाहते। मोद अरे जान मोद, अच्छा इंसान वो होता, बात सुनिए मोद, करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी,
सुधार देंगे अडवाणी जी। सीता स्वयंवर हो रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी भारी भूख जुट गए। सीता हमारी माँ, भारत की बेटी, माला हाथ में, चारों तरफ वीर लोग बैठे हुए हैं, मेरे गर्दन में डाल देगी, मेरे गर्दन में डाल देगी। सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद, क्या नहीं बोलने देगा, ये नहीं बोलने देगा, इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए, अभी 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 रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें, अभी वोटिंग कराइए, नहीं बोलने देंगे। अगर ये गलत बैठे उन वीरों में नारद जी भी थे, नारद जी भी उन वीरों में थे। जब वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर आगे आके बैठ जाए, तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा देखो आईना में, ये मजाक हो रहा है, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। प्लीज चलो बोलो, इनको खराब नहीं है, इतने सीनियर आदमी है मिनिस्टर में, की पार्लियामेंट ऐसा सर, यहाँ इनके जैसे लोग जो सर प्लीज डोंट तो बैठ ही जाऊंगा, लेकिन प्लीज शेयर ब्रोकर है मिस्टर, जब मिस्टर गोयल बंबई चला, मिस्टर गोयल प्लीज ही इज गोइंग टू बंगलोर, है लॉटरी बेचो, लॉटरी बेच, डोंट मैन, ये मजाक की बात है प्रसाद जी, आप सब लोग अब कर रहे हैं, आज इनको प्लीज कमाल हो गए, बोल रहे थे ये, बोल रहे बैठो ना, प्लीज वापस जाओ, बोल रहे थे ये, बोल रहे, इसलिए प्रधानमंत्री प्लीज, अरे आप बोलिए, इसलिए महोदय प्रधानमंत्री अभी लालच में पड़े हुए हैं। अब आप ऐसा कीजिए, हाँ क्या करें, अब क्या है ये नतीजा, आप लंच के लिए एडजस्ट नहीं किया, इसके लिए वो सब नतीजा पा रहे हैं, इसलिए आप जरा जल्दी से खत्म कीजिए, लंच के बाद रखिए, नहीं नहीं आप इनको खिलाइए पहले, नहीं नहीं आप है ना, आप खत्म कीजिए, हाँ महोदय मैं ये बोल रहा था संक्षेप में, एकेडमिक डिस्कशन प्लीज महोदय, महोदय प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने उधर लोग हैं आपको था नहीं लगने दे रहा, लोग बता नहीं रहा है, जमीन खसक चुका है आपका, आपको झूठ मूठ के नारद मोह में डाले हुए लोग, नारद मत बोलिए, नहीं है जमीन, जहां आप खड़े थे जमीन खसक गया, जयललिता जी के साथ कम अपमान आपने किया, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा लटका के रखो, क्लच में रखो, लोगों का शासन करते रहो, इसलिए आपको सुझाव है मेरा, फिर मैं कहता हूं सुझाव, अरे सुनो बैठो प्लीज, मेरा सुझाव है आपको कि आप कल 11 बजे वोटिंग है, खरवास कल उतर गया, खरवास 14 तारीख है, परसों 14 तारीख को हम लोग का हिंदू भाई लोगों का खरवास उतर गया, सतुआन होता है, आम का टिकोड़ा खाओ के सत्तू वत्तू, यही हमारी संस्कृति, यही हिंदुत्व, उसके बाद से शुभ काम किया जाता है, अब खरवास उतर गया, परसों भाषण वोषण करके बिना वोटिंग कराए राष्ट्रपति जी को दे दीजिए, राष्ट्रपति जी अब हम लोग से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन कौन मिलके बना रहे हो, ई हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं, ये है वेल 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 एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा,
पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दे, इज्जत बच जाएगा कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा, और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं, हम लोग बनाएंगे, ई बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है, इसलिए आप विश्वास प्रकट लाए, आप नहीं लाए, वो तो राष्ट्रपति जी बोले, तीन महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, चौटाला जी का पार्टी मामूली पार्टी है, चौटाला जी का पार्टी वो लोकदल है, बिहार हरियाणा यूपी ये चारों तरफ हम लोग का, राजस्थान गुजरात हमारा ग्राउंड है, मोरल आपके पास ग्राउंड नहीं है, और देश के तेज तराक कहाँ गए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भले इनका संख्या नहीं हो, ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के विषय में, बिहारी कवि के विषय में किसी कवि ने कहा था कि सत्संया के दोहरे और नावक के तीर, आ देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति जी को जाके विड्रॉ कर लिया, बूटा सिंह जी तो पहले ही से बूटा सिंह जी, तो ये तीन पार्टी जब रिड्यूस हो गया, आप कांग्रेस को हमको क्यों ब्लेम करते हैं, आप तो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये हम देश की जनता को मालूम है, यहाँ भाषण चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया, ये तो आपके आप खुद आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए, चलिए अब यहां से, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है, हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए, इसलिए आपने है रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री गृह मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहाँ कि आप ऐसा मत करिए, आप कौन होते हैं करने वाले, वहां आपने कुतर्क दिया, और हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया, आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया, उदाहरण है प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देवरा जी, और हाल हाल में राबड़ी देवी बहुमत में, अब भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती, तो भारत एक संविधान एक राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ और यहां आप गए थे कुतर्क पेश करने, इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है, अभी वो जब हुकुम किए तब आप कागज लेके यहाँ पहुंचे हैं। और आप करते यही तो ये है महोदय, इसलिए पूरे सदन से और जो साधु बाबा लोग गोस्वामी लोग हैं आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ, और ये हमारे खुराना जी और हमारी बहन ये सुषमा, क्या हालत है सुषमा जी का, आप दिया लीडर अपोजिशन खाली एक खुराना जी, अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर महिला का ये व्यवहार है आपका, इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। जो विश्वास का मोशन लाया है उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से चार दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, अचंदन विष व्याप्त रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। ऐसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से चार दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, अचंदन विष व्याप्त रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती है।
न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं जा सुनिए सब उसमें हम सब लोग हैं, आप भाई सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है, आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग, चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के, मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला भोला ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो, जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे, ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वही ज्यों का त्यों है। सूफी आए संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे, आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए संत आए और भटकते इंसान को मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत दुनिया माल खजाना, दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे प्लीज प्लीज, लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यही, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके, बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लाल प्रसाद जी, लाल पता है हाथ पसारे जाएंगे ऊपर, बैठे बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौर साहब के कपड़ा में लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुनो करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं, जौर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, अरे भाई फटा, यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ जौर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं हम लोग को जेल भेजवाते रहे हैं, राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं,
राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में, प्रधानमंत्री जी ने माना ये बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है पशुपालन स्कैम, आएगा दूध का दूध पानी का पानी जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में, कौन बेदाग बैठा है? और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़ कोई बात नॉर्म्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं, बातें दबाई नहीं जा सकती है। चाहे जितनी बातों को हम जहां भी थापर साहब के टीवी में या जहां भी हम कोई बातों को कह डालें, बात दबती नहीं है, अभिलेख मिटता नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चिंता जताई और इतिहास को, अडवाणी जी गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है, आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है, और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है। मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जन्म लिया था फुलवरिया गांव गोपालगंज में, फुलवरिया गांव में, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो ये गोसाई लोग एक ऐसा रखते थे पशु बैल, आंख पर मांसा है, पीठ पर पैर है, बहुत छोटा नाटा है, जिसको नादिया बोलते उत्तर प्रदेश में, हम लोग अपने यहां बसाहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसाहा बैल। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के और हजारों चिट्टी कौड़ी उसमें साट के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता, और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चला आया मेरे पास, मेरी माँ बैठा दी ओरी के नीचे खपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ। ये हम ही अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं या इसमें नहीं मिलेगा, तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसाहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा है, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आ जब वो भोला बाबा समझ जाता चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता पीठ ठोकते रहता, नहीं आता है सूंघने के लिए हाथ मुट्ठी, तब गोसाई पीछे से खोदता, तब वो ध्यान दे घंटी करके महोदय मैं अपमान का नहीं, आप कभी कभी बढ़ते थे कोई काम करने के लिए लेकिन फिर रिवर्स गियर में चले आते, जो नादिया का हाल रहा वही 13 साल में आपको नागपुर ने और एलआईओ ने हाल करके आपका रखा, ये है रखा 13 महीना। आपको एक मौका था, आप कांग्रेस की बात करते, सीपीआई सीपीएम की बात करते, जोर साहब वहां बैठे हैं, सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे, उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थे क्या आप जेल में? हाँ कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल, आप लोग तो आप बिना हरे फिटकरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी
अब उसमें आप अकेले नहीं हैं, दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जोर साहब हैं, अब बैठे, सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो, या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी, जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों के वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा, कि अगर आरएसएस में रहना है। जोर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हमने कहा, हम लोगों ने कहा था, या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में, और देश के सेकुलर करेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए, चुनाव में गए, हमारी लड़ाई आपसे, आपने कहा, अब बताइए, हिंदू 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 हिंदू, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, कौन विरोध करता? ते हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं, ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं, हमारी माँ बहन गांव ग्रह गए सारे लोग, ये ठीका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर करेक्टर सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता, जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय, लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, हमने एक कैलेंडर कह दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं नहीं, जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ कोई कुछ। अब हम जो है सो के पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, आप डंटा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, आप पोखरन में, तो हम लोग भी अपनी साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे क्या रूप होगा, क्या रंग होगा? इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए, अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं योग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी,
पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को वीन ओवर करने के लिए, सम्पैथी लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का महोदय, दूसरे को आने दीजिए महोदय, क्या आपने कहा था। अब अपने हम लोगों ने, अब आप हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते, जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पंक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से दो बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इस हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने, रीनेम क्यों कर दिया, सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया, इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया, आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं, इसके लिए ये सवाल सत्ता का, कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो, मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए, आपने पहले भी ये काम किया और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा, कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो, गलत फहमी में नहीं रहना, आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे, उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी, इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना, अरे क्या खाली जी, हाँ बोगस वोट पड़ी थी, उसका क्या हुआ, अरे बैठ जाइए, बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि पीला उला कागज नहीं रहेगा, कहाँ लाल जला, कहाँ उजर जला। अब ये जोर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने, नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का, वहां से समता पार्टी का समर्थन है, वहां का एमपी यहाँ बैठे हुए लड़का राम नरेश भाई, हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का, हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान देखे जीता थे वो लड़का, क्या हालत है समता पार्टी का, आप जाके देखिए औरंगाबाद में। नीतीश जी ले गए वहां, कहां ले गए, बाढ़ में थर्मल, जहां वाटर लॉगिंग है, जहां जल्ला का पूरा इलाका है, वहां ले गए और आपसे ले गए, वहां उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो, लिख करके राज्य सरकार, कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है,
जो हम कर सकते हैं वही काम करें। बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए तो। अभी 14 तारीख को जोर साहब नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा है, हमारा जरा संघ का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे, आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे। और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहां बैठ के एमपी एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुपरमेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज को हम स्वायत्ता देंगे, लेकिन राज के मुख्यमंत्री को पता नहीं और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें, हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोले। तो हम लोगों ने कहा था ये झूठ नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी है, हमेशा ठगे जाते रहे, राज्य सरकार की जो कुबत हो आप बताइए वहां पानी कहां। हमने मालूम किया कि सफिशियंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए, देर इज ए नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा जान बचाना है, तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जोर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना हजार एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना खोल रहे हैं, निकलिए मोदी नगर से, हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज, एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा, मोदी पूरम स्वदेशी का नारा। आपने कहा स्वदेशी, आपने कहो कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते, भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होकर भारत के लोग अपनी रक्षा अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया है, सारा स्वदेशी मिल कल कारखाने हमारे बंद, बड़े पैमाने पर जो मजदूर है गरीबी और गारद बढ़ रही है, अन चीजों में कंज्यूमर्स गुड्स के मामले में। महोदया देश की स्थिति अगर एक क्षण भी अगर ये रहते हैं इस मुल्क में, इनका शासन रहता, ना जाने कितना खमियाजा इस देश के माइनॉरिटी जो सर्वहारा, सर्वहारा के पेट के ऊपर हमला होने वाला है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, जो भारत के बेटे और बेटियां हैं। आपने कहा था कि कम से कम हम पीने का पानी का प्रबंध कर दें, जिस समय आपका संबोधन हो रहा था पीने के पानी का सवाल, न जाने अखबारों ने लिखा है कि आगे लड़ाई युद्ध इस भारत में अंदर मोहल्ले मोहल्ले में पानी के सवाल पर हम लड़ेंगे, लड़ाई होगी। आपने कोई पानी का प्रबंधन नहीं किया,
पूरा का पूरा 13 महीना में सारे जो लोग अपने को बोलते थे कि हम सादगी वाले लोग हैं, ब्रह्मचर्य लोग हैं, सत्ता का हमको परवाह नहीं है, 13 महीना में सत्ता के भूख में सारा ब्रह्मचर्य आपका टूटा है। ये जब ब्रह्मचर्य टूटा है आडवाणी जी, ये मत हम लोग के ऊपर दो मत मरिए कि आप में और वाजपेयी जी में दरार हम लोग पैदा किया है। सत्ता ऐसा है, असत्ता का भूख ऐसा मतवाला है कि न जाने कितना दरार दरार टुकड़े टुकड़े आप हो चुके हैं, भीतर निहार के आप देख नहीं रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। आपने कहा कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ये बैठे हुए लोग, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता, उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल, वो बोला कि हम नीतीश जी या जोर साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल, तब पंचायती करने चलेगा जोर साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जोर साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? तो ये स्थिति है आपकी। आपने शकुनी चौधरी जी को हमारा चाचा, हमारे गफूर साहब है मामूली आदमी, राज का मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग इनके बेटे हैं, हम उनका वोटर हैं, ये गोपालगंज के हैं, ये चाचा हैं हमारे, इनका सम्मान है। ऐसे व्यक्तियों को आपने तरहीद दी, आप फंसा के रखे हैं लोगों को, रुके रहो, अब एक्सपेंशन हो रहा है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार। आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट फॉर वन मिनट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई माई पोजिशन सर। मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। जो बात प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्टी को पहले से कहा है, हम लोगों ने आभारी है प्राइम मिनिस्टर को। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है, कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? आप नहीं बैठेगा प्लीज, नहीं प्लीज सर, बहुत तो आप लोगों ने सुना है, प्लीज ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। कोशिश किया लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, अभी पावर ब्रोकर है, अभी कांग्रेस का साथ में जो रिश्ता नहीं है, सब मिलकर वाजपेयी जी को हटा नहीं चाहते हैं, जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बात कहो, लेकिन आप किसी को टुकड़ा में नहीं सकते हैं। अगर आप टुकड़ा ना तो हम लोग भी टुकड़ा है आपको। ममता जी प्लीज नाउ प्लीज लालू प्रसाद जी यू प्लीज यहाँ एंटर कीजिए।
मैंने आप इन बातों को इसलिए कहा कि माननीय आडवाणी जी ने कोई असंसदीय कोई अनपार्लियामेंट्री, आपने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि उधर कौन वित्त मंत्री, कौन क्या बनेगा, कौन बनने वाला है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है, तो बहन ममता का अपमान का नहीं, हमने कहा कि ये बात थी, आप बांध के रखना चाहते। हम लालू यादव अब महिला का अपमान, हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम। इसलिए महोदय अब यह है कि अपनी सीट दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं लिया, ना लोटा ना थारी, तो पेट भरे गिरधारी। तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला है, तुरंत। कहाँ कहाँ कार जूटा, कितना घपला, कितना लूटा यहाँ, आ किसका गर्दन कहाँ, और हयात होटल में 90 करोड़ मीटर NRI अभी जो पकड़ाया, रुपया दबाए हो हाउस ट्रेडिंग के लिए। हम ये बात को कहना नहीं चाहते थे, एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते थे। एकेडमिक डिस्कशन में इसलिए बोलोगे तो हम इन चीजों को रखना अब ये जान मोद। अच्छा इंसान वो होता, बात सुनिए मोद, करेक्ट कर देंगे आडवाणी जी, सुधार देंगे आडवाणी जी। सीता स्वयंवर हो रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, डंका बज गया, भारी भारी भूख जुट गए। सीता हमारी माँ, भारत की बेटी, माला हाथ में, चारों तरफ भीड़ लोग बैठे हुए हैं, मेरे गर्दन में डाल देगी। सब जगह से रिजेक्टेड होते होते नारद, क्या नहीं बोलने देगा, नहीं बोलने देगा। इसीलिए जल्दी वोटिंग आज कराइए, अभी रिजल्ट इन लोग का हम लोग सुना दें, अभी वोटिंग कराइए, नहीं बोलने देंगे। अगर ये गलत प्लीज बैठे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेजिम बांगलोर ना उन वीरों में उन वीरों में नारद जी भी उन वीरों में थे। जब वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर आगे आके बैठ जाए, तो किसी ने कहा कि अपना चेहरा देखो आईना में, ये मजाक हो रहा है, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। प्लीज चलो बोलो, इनको खराब लग रहा है, इतने सीनियर आदमी है मिनिस्टर की पार्लियामेंट है सर, यहाँ इनके जैसे लोग जो सर प्लीज डिस्टर्ब ना, तो बैठ ही जाओ, लेकिन प्लीज शेयर ब्रोकर है मिस्टर, क्या मिस्टर गोयल बंबई चला, मिस्टर गोयल प्लीज लॉटरी बेचो, लॉटरी बेच, डोंट डोंट, ये मजाक की बात है प्रसाद जी, सब लोग आप कर रहे हो, आज इनको कमाल हो गया, बल्ले रहते ये बल्ले, बैठो प्लीज वापस जाओ।
बोलना नहीं देखो, ये बोलना इसलिए प्रधानमंत्री बोलिए प्लीज, इसलिए महोदय प्रधानमंत्री अभी लालच में पड़े हुए हैं। अब आप पैसे कीजिए। हाँ क्या करें? अब क्या है ये नतीजा? आप लंच के लिए अर्जेंट नहीं किया, इसके लिए वो सब नतीजा पा रहे हैं, इसलिए आप जरा जल्दी से खत्म कीजिए। लंच के बाद रखिए। इनको खिलाइए पहले। नहीं नहीं आप है ना, आप खत्म कीजिए। हाँ महोदय, मैं ये बोल रहा था संक्षेप में, एकेडमिक डिस्कशन प्लीज। प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा था कि जितने उधर लोग हैं आपको था नहीं लगने दे रहा, लोग बता नहीं रहा है, जमीन खसक चुका है आपका, आपको झूठ मूठ के नारद मोह में डाले हुए लोग, नारद मत बनिए, नहीं है जमीन, जहां आप खड़े थे जमीन खसक गया। जयललिता जी के साथ कम अपमान आपने किया, मुकदमा पर मुकदमा, मुकदमा पर मुकदमा लटका के रखो, क्लच में रखो, लोगों का शासन करते रहो। इसलिए आपको सुझाव है मेरा, फिर मैं कहता हूं सुझाव, अरे सुनो बैठो प्लीज, मेरा सुझाव है आपको कि आप कल 11 बजे वोटिंग है, खरवास कल उतर गया, खरवास 14 तारीख है, परसों 14 तारीख को हम लोग का हिंदू भाई लोगों का खरवास उतर गया, सतुआन होता है, आम का टिकोड़ा खाओ के सत्तू उतु, यही हमारी संस्कृति, यही हिंदुत्व, उसके बाद से शुभ काम किया जाता है। अब खरवास उतर गया, परसों भाषण ओषण करके बिना वोटिंग कराए राष्ट्रपति जी को दे दीजिए, राष्ट्रपति जी अब हम लोग से पूछेंगे कि वैकल्पिक सरकार कौन कौन मिलके बना रहे हो, ई हिसाब हम राष्ट्रपति जी को देंगे, आडवाणी जी को नहीं, ये है वेल 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 एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री नॉर्म से ही है, और आपका इसमें इज्जत बच जाएगा, पीठ में धूरा लगने से अच्छा है सीधे जाके वहां दे दीजिए, इज्जत बच जाएगा कि आरएसएस ने आपको चलने नहीं दिया, देश का नाश आपने कर दिया, सत्यानाश पर पहुंच गया। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को सांप्रदायिकता के खिलाफ एक एक कतरा खून जब तक हमारे शरीर में रहेगा, और इस बार हम चाहते हैं भारत से हमेशा के लिए सांप्रदायिकता का विदाई हो रहा है, दोबारा फिर आप आने वाले नहीं, हम लोग बनाएंगे, ई बनेंगे तो इनसे भी लड़ेंगे, हम बनेंगे तो हम भी लड़ेंगे, लेकिन अब आपके कोर्ट में भारत की जनता नहीं जाने वाली है, इसलिए आपने आप क्या विश्वास प्रकट लाए, आप नहीं लाए, वो तो राष्ट्रपति जी बोले, 3 महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी, चौटाला जी का पार्टी मामूली पार्टी है, चौटाला जी का पार्टी वो लोकदल है, बिहार हरियाणा यूपी ये चारों तरफ हम लोग का, राजस्थान गुजरात हमारा ग्राउंड है, मोरल आपके पास ग्राउंड नहीं है, और देश के तेज तराक कहाँ गए सुब्रमण्यम स्वामी साहब, भले इनका संख्या नहीं हो, ये अकेले हैं, ये वही हैं जो किसी कवि के विषय में, बिहारी कवि के विषय में किसी कवि ने कहा था कि सत्संया के दोहरे और नावक के तीर, आ देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर, ये तो ये 3 पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति जी को जाके विड्रॉ कर लिया, बूटा सिंह जी तो पहले ही से, बूटा सिंह जी तो, ये 3 पार्टी जब रिड्यूस हो गया, आप कांग्रेस को हमको क्यों ब्लेम करते हैं, आप तो समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये हम देश की जनता को मालूम है,
यहाँ भाषण चतुराई से आप नहीं कह सकते कि हम लोगों ने गिराया, ये तो आपके आप खुद आपका जो जिनका समर्थन था घट गया, आप खत्म हो गए, चलिए अब यहाँ से। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों है? हम भैंस चरा के दूध के पी लेंगे, बेच लेंगे आपको, लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे, जान लीजिए। इसलिए आपने रुके, अपने मन से आपने विश्वास मत प्रकट नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गए राष्ट्रपति जी के यहाँ कि आप ऐसा मत करिए। आप कौन होते हैं करने वाले वहां? आपने कुतर्क दिया, और हम लोग सब नेता गए तो हम लोगों ने तर्क दिया, आपने कुतर्क दिया और हम लोगों ने तर्क दिया। उदाहरण है, प्रेसिडेंट है बीपी सिंह देवोरा जी, और हाल हाल में राबड़ी देवी बहुमत में, और भंडारी जी बोले कि बिना फ्लोर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस लिए हुए आप बजट में हाथ नहीं लगा सकती। तो भारत एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, तो बिहार में कुछ, और यहाँ आप गए थे कुतर्क पेश करने। इसलिए राष्ट्रपति जी को जितना बधाई और धन्यवाद दिया जाए वो कम है। अभी वो जब हुकुम किए तब आप कागज लेके यहाँ पहुंचे हैं। और आप सब करते यही तो ये है महोदय। इसलिए पूरे सदन से, अरे जो साधु बाबा लोग, गोस्वामी लोग, आप लोग लग जाओ, इनसे निजात पाओ और ऐसा भारत बनाओ। अरे हमारे खुराना जी और हमारी बहन ए सुषमा, क्या हालत है सुषमा जी का? आप दिया लीडर अपोजिशन खाली ए खुराना जी, अरे हमारी बहन तेज तराज सुषमा को कितना टॉर्चर हुआ, क्या टॉर्चर महिला का ये व्यवहार है आपका? इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। जो विश्वास का मोशन लाया है उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से चार दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे राहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को, पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हम जैसे लोगों को बताने वाले
सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए।